तो All the third class students come out. Called this boy who is in front of me, please come here. Okay, send a message home. What's your name? My name is Mohammed Allah. Okay. I know you are missing me and. एक ही दिन में वो मिस करेंगे. ओके अजान 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 इज फ्रॉम विच क्लास यू हैव टू मेंशन थर्ड ब्लू अजान अजान अल्लाह ब्लेस यू. कुछ मिलके बेटा रोहन रोहन कब से यहाँ पे हो? सुबह से. कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा. क्या क्या बताओ घर की हाँ आ रही है. सो हु इज मिसिंग द पेरेंट्स मॉम डैड. Yes, yes, yes. Yes, we're very good, we're very good. I want to say this is most great camp in the world. It was such a great and wonderful, and it was so much loving and so much excited. Camps, tents, they were cool, and some they were so cool. But we had no more these activities, another activities. But it is okay. Yes, they are. I want to say I will miss them and I will so much love them. Myself is Imran Khan or. मैं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवायर एंड शुगल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हमारे इवेंट चल रहा है. जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन वैली स्कूल में इन हाउस कैंप चल रहा है. इस कैंप का मकसद यह है कि बच्चों का जो हिडन टैलेंट है उसको कैसे उभारेंगे हम वक्तन फवक्तन, न कि इस स्कूल में बाकी स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं. और हम स्टार्ट करते हैं 5 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे जो होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स या ऐसे कैंप्स हम करते हैं. और हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद है कि कैसे बच्चों का माइंड गलत कामों की ओर डाइवर्ट होके इन स्पोर्ट्स और इनका जो टैलेंट है हिडन टैलेंट है उसको कैसे उभारेंगे हम. ये 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का कैंप है और हमें इन इतने 150 के करीब बच्चे हैं और हमें यहाँ पर इन बच्चों को मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और जो अपने आप को ये उभार सकते हैं. ये पिछले हम 10 सालों से करते हैं, ना कि रियासत के बाहर भी हम बच्चों को ले जाते हैं. आज हम समर चल रहा है और इसलिए हमने ये कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है इन हाउस ग्रीन वैली स्कूल में, लेकिन इसके बाद बच्चों को हम आउटसाइड ले जा रहे हैं जहाँ कि इनको मौका मिलता है कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक हमने बच्चों को अभी तक बाहर लिया हुआ है. यकीनन अगर स्कूल हमें अप्रोच नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और हम यकीनन कहते हैं कि नहीं आपका स्कूल जो है स्कूल से वाबस्ता रख के ही हम इवेंट करते हैं. बहुत आज आपने देखा कि एजुकेशन की पॉलिसी निकली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली है. खेल खेल में एजुकेशन हम इन बच्चों को देते हैं. हम चाहते हैं कि ये कुछ नया सीखें, ना कि ये क्लास रूमों में सुबह से 10 से लेकर 4 बजे तक रहे. इनका दिमाग जो है बस एक ही गूंजता है कि हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इनको एजुकेशन गेम हम दे दें. खेलते खेलते इनकी पढ़ाई की ओर भी हम ध्यान देते हैं. आप देख खुद भी देख रहे हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे आज पहली बार कुछ बच्चे घरों से बाहर निकले हुए हैं और वो इस चीज़ का बहुत ही आनंद ले रहे हैं. बेशक यही तो मकसद है हमारा कि इनका बच्चों का जो माइंड डाइवर्ट हो, ना कि वो मोबाइलों के पास या किसी गलत चीज़ों के साथ रहे. हम चाहते हैं इन बच्चों का जो
टैलेंट है उसको उभारने का और ऐसे कैंपों में आने का और ऐसे इतने नए नए दोस्तों से मिलने का उनको मौका मिलता है। और एक जब ये रात गुजारते हैं तो इनको एक अलग से एक्सपीरियंस आती है, हार्डशिप्स आती है दिन में कि बाहर जाके हमारी लाइफ क्या है।